हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं विटामिन, जिसे स्वच्छात्मक भोज्य, वृद्धि तत्व, ग्रोथ फैक्टर बोला जाता है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हल कर सकेंगे, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन एंड रोग के अंतर्गत मैं हेल्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, एंड दोस्तों पोषक तत्वों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, इसके बारे में बताई हूँ। एंड दोस्तों, डिटेल में वर्णन मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का कर दिया है। अब मैं विटामिन का वर्णन इसमें करने जा रही हूँ। दोस्तों, आपके एग्जाम से पहले सिलेबस पूरा खत्म करने का मेरा वादा है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो KBS, NBS, TGT, PGT, ELT, राजस्थान PTI, DSSB, कोई भी एग्जाम हो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो सभी एग्जाम्स से रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे सभी वीडियोज हैं। सभी वीडियोज को आप वॉच करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं दोस्तों, और MCQ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं विटामिन के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, जैसा कि दोस्तों पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। इसमें से दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, जबकि वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। और जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, एंड 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, एंड 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जैसा कि आप देखें कि वसा में 9.1 कैलोरी 1 ग्राम से मिल रहा है, और कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम से 4.1। लेकिन सबसे ज्यादा हम डेली लाइफ में किसका यूज करते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का। वसा यानी कि तेल, घी, काजू, बादाम, किशमिश, ये सब तो बहुत कम खाते हैं, क्योंकि उससे 1 ग्राम से 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन दोस्तों, सबसे जल्दी ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी स्रोत किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को। इसीलिए एथलीट को सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है तुरंत ऊर्जा के लिए, आप ये ध्यान में रखिएगा। और जो प्रोटीन होता है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, ये हमारे शरीर का निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करता है, शरीर के टूट फूट को मरम्मत करता है, ये ध्यान में रखिएगा। और जो मैं बताने जा रही हूं विटामिन, एंड दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा देता है, प्रोटीन शरीर के ऊतकों, मांसपेशियों का निर्माण करता है, बॉडी बिल्ड करता है, एंड जो विटामिन एंड खनिज लवण होते हैं वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बना के रखते हैं, हमारे शरीर से को रोगों से रक्षा करते हैं। तो क्वेश्चन कई बार आया होगा दोस्तों, जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल किया होगा, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन दे देता है, बोलता है कि इनमें से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता। तो उसमें ऑप्शन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि सभी तो ऊर्जा प्रदान करते हैं, बट दोस्तों विटामिन एंड खनिज लवण ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ये हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं। और जो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा लिए हैं उसके उपापचय क्रिया को आसान बनाते हैं, और हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इसी विटामिन के बारे में हम पढ़ेंगे। इस विटामिन को दोस्तों सुरक्षात्मक भोज या वृद्धि तत्व, ग्रोथ फैक्टर भी बोला जाता है। दोस्तों, यह सूक्ष्म मात्रा में मानव शरीर में उपस्थित होता है, और क्या करता है? यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता, परंतु अन्य ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब के निर्माण तथा उनके सही उपयोग पर नियंत्रण करता है दोस्तों। ठीक है, अगर कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं, उसका सही उपयोग नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसी फायदे को देता है हमारा विटामिन, अर्थात उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए
विटामिन आवश्यक है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, पाचन क्रिया सही रहता है विटामिन लेंगे तो, ठीक है। इसीलिए विटामिन को वृद्धि तत्व यानी कि ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों विटामिन की खोज किया सबसे पहले लुनिन ने 1881 में, और इसका विटामिन नाम किसने रखा, इसका नामकरण किया फंक ने 1912 में, और इस विटामिन सिद्धांत दिया हॉकिंस ने। जैसा कि दोस्तों विटामिन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जल में घुलनशील विटामिन एंड वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों आपको एक चीज याद करना है, आप बस जल में घुलनशील विटामिन याद कर लीजिए। जल में घुलनशील कौन है, BCH, एंड वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, ADEK, इसको कीड़ा भी बोल सकते हैं, KEDK, ठीक है। तो जल में घुलनशील कौन है, BCH, तो BCH के अलावा जो भी होगा वो वसा में घुलनशील होगा, ठीक है। दो में से एक याद कर लीजिए। तो जल में घुलनशील विटामिन है BCH एंड वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK। इसको आसानी से याद करने के लिए इसको KEDK यानी कि कीड़ा भी बोल सकते हैं, KEDA बोल सकते हैं, ठीक है, कीड़ा, क्योंकि जो कीड़ा है वो विटामिन में वसा में नहीं घुलेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक 20 विटामिनों की खोज की जा चुकी है, लेकिन 6 विटामिन आवश्यक माने गए हैं, ठीक है। दोस्तों जैसा कि शरीर में अगर ज्यादा मात्रा में आप विटामिन ले लेंगे तो क्या होगा, शरीर में ज्यादा मात्रा में उपस्थित विटामिन मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों विभिन्न विटामिनों की खोज किसने की थी, जैसे कि दोस्तों विटामिन ए की खोज किया था मैकुलन ने, मैकुलन और एम डेविस ने 1912-14 में। एंड विटामिन बी की खोज किया था कासिमीर फंक ने 1912 में। एंड दोस्तों विटामिन सी की खोज किया था ए होस्ट एंड टी फॉरलिच ने 1912 में। एंड दोस्तों विटामिन डी की खोज किया था एडवर्ड मेलेनबाई ने 1922 में। विटामिन ई की खोज हर्बर्ट इवांस तथा कैथरीन बिशप ने 1922 में। एंड विटामिन के की खोज किया था हेनरिक डम ने 1929 में, ठीक है। दोस्तों ये तो हम जान लिए विटामिन के बारे में, ठीक है। एंड दोस्तों कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए बी सी डी ई के एच, ये विटामिन होता है, इसको याद करने का दोस्तों हम ट्रिक के साथ बताएंगे, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक दो बार आप दो तीन बार कॉपी में लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद विटामिन के रासायनिक नाम यानी विटामिन के वैज्ञानिक नाम आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, जैसे कि दोस्तों ABCDEKH। इसको याद करने का ट्रिक है रथ पर एक टॉफी, क्या है, रथ पर एक टॉफी। यहाँ पे पर को साइलेंट कर दीजिए, अब सबके नीचे जैसे र के नीचे ए लिख दीजिए, थ के नीचे भी लिख दीजिए, ठीक है, ए के नीचे सी, क के नीचे डी, ता के नीचे ई और फी के नीचे के। अब इसको देखिए, र से होता है रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम हुआ रेटिनॉल। थ से होता है थायमिन यानी कि विटामिन बी का रासायनिक नाम वैज्ञानिक नाम हुआ थायमिन। और साइलेंट है, ए से हुआ एस्कार्बिक अम्ल यानी ए के नीचे क्या है सी, ए से हुआ एस्कार्बिक अम्ल यानी विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है। एंड क से हुआ कैल्सीफेरॉल एंड यानी कि विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम हुआ कैल्सीफेरॉल। एंड ट के नीचे है ई यानी कि ट से हुआ टेकोफिराल यानी विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टेकोफिराल। एंड फी से फिलोक्विनोन यानी विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन। एंड दोस्तों विटामिन एच का जो वैज्ञानिक नाम है वह होता है बायोटिन, यह चमड़ी, इसकी कमी से चमड़ी लाल व उस पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ये तो हुआ दोस्तों विटामिन ए बी सी डी ई के एच का वैज्ञानिक नाम। अब जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन बी को 8 भागों में डिवाइड किया गया है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है। इसके वैज्ञानिक नाम को याद करने का ट्रिक क्या है, इसके वैज्ञानिक नाम याद करने का ट्रिक है कि थी राई की निकोपेंट,
पाई बायो ने फास कर, क्या है? थी राई की निकोफेंट, पाई बायो ने फास कर। इसको 10 बार लिखिए, थी राई की निकोफेंट, पाई बायो ने फास कर। उसके बाद दोस्तों इसमें की और लास्ट में जो कर है उसको साइलेंट कर दीजिए और सबका जोड़ा बना दीजिए। तो दोस्तों थी से होगा आपका थायमिन, यानी विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम है थायमिन। राई से होगा राइबोफ्लेविन, यानी विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। निको से होगा निकोटिनेमाइड, यानी विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम होगा निकोटिनेमाइड, ठीक है। एंड पेंट से होगा पेंटाथोनिक, यानी विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम है पेंटाथोनिक। एंड दोस्तों पाई से होगा पाइरोडॉक्सिन, यानी विटामिन B6 के वैज्ञानिक नाम होगा पाइरोडॉक्सिन। एंड दोस्तों बायो से होगा बायोटिन, यानी विटामिन B7 का वैज्ञानिक नाम होगा बायोटिन। एंड दोस्तों फास, फास में आपका 2 हो जाएगा। फास से होगा फालिक अम्ल, यानी कि विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम होगा फालिक अम्ल। और स से होगा साइनोकोबाल्बिन, ठीक है। इसको कोबाल्ट इसमें पाया जाता है, साइनोकोबाल्बिन। साइनोकोबाल्बिन यानी कि B12 का वैज्ञानिक नाम होगा साइनोकोबाल्बिन, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सभी विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में डिटेल में बताना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आजकल ये नहीं पूछता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, क्योंकि सभी को याद है कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। उसके अलावा जो जो भी होता है उसको भी पूछता है दोस्तों, आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर से पढ़ने से कोई भी एग्जाम आज निकलने वाला नहीं है। इसलिए किसी भी चीज को गहराई से पढ़िए, पूरा पढ़िए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सभी विटामिनों से कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसे भी कमेंट में जरूर बताइए, और क्या डाउट है आपको ये भी मुझे कमेंट में बताइए, क्या कमी है मेरे वीडियो में ये भी मुझे कमेंट में बताइए। सभी चीज का डाउट मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी दोस्तों। एंड दोस्तों यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।